नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम 196 का अभाज्य गुणनखंड विधि से स्क्वायर रूट कैसे निकालें यह सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो सर्वप्रथम इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? अपनी अभाज्य संख्याएं चाहिए। देखिए, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं। सर्वप्रथम हम अपना 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। यदि 2 का डिवाइड हो रहा है तो 2 का डिवाइड करते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, यानी क्रमश से आगे बढ़ना है, 2 से शुरुआत करनी है, ऐसे समझो। अब आपको दोस्तों कुछ नियम बता देता हूँ, 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। आप संख्या को देखते ही डायरेक्ट यह पता कर लें कि 2 से यह विभाजित होगी या नहीं होगी। यहाँ पे विभाजित होने का मतलब है आपका पूरे का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए, वह संख्या जिनका आपका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, वह संख्या आपकी क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। तो ये देखिए, 6 है इसका इकाई अंक, मतलब 2 से विभाजित होगी। इसमें 2 का जब आपने भाग दिया, यहाँ लिख के आप भाग दे सकते हैं, ठीक है, कितनी बार जाएगा वो इसके नीचे लिखना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितनी बार चला गया, 9 और 8 बार चला गया। फिर इसमें 2 का भाग दिया, भाग जा रहा है 2 का, कितनी बार? 4 और 9 बार। अब इसमें आपका 2 का भाग नहीं जा रहा है, यानी भाग करेंगे तो आपका पूरे का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो फिर इसको 2 का डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे हम उसी नंबर का डिवाइड करते हैं जिसका पूरे का पूरा भाग जा रहा हो। 3 का चेक किया, 5 का किया, नहीं हो रहा, लेकिन 7 का आपका डिवाइड हो गया। कितनी बार? 7 बार। 7 में 7 का डिवाइड आपका 1 बार। हमें तो क्या चाहिए दोस्तों? इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है। समान संख्याओं का 2 2 का जोड़ा बना दिया, प्रत्येक जोड़े में से इसको 1 बार यहाँ लिखना है। 2 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, इनका गुणा किया कितना? 14 आ गया। ये आपका यहाँ पर वर्गमूल का वैल्यू है। ओके, 1/4 स्क्वायर रूट का वैल्यू निकल गया। धन्यवाद।